गुड आफ्टरनून। ओके, आज का जो टॉपिक है RX100 यमाहा 1996 मॉडल। मैं छोटा सा रिव्यू भी देता हूँ गाड़ी के बारे में। ये हमारा भैया चलाते हैं, ये बहुत पसंद करते हैं ये गाड़ी, पहले से भी, अभी और कभी भी। और ख़ुद ट्यून करते हैं अपनी गाड़ी। और आज का टॉपिक है कैसे ट्यून करना कार्बोरेटर। ठीक है, कौन सा ट्यूनिंग पे है ये गाड़ी, वही ट्यूनिंग पे रखना है, क्यों बोले तो भैया डांटते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये है 1996 महा RX100, ओरिजिनल सीट, ओरिजिनल टायर्स। ये तो ओरिजिनल नहीं है, ये तो CT100 का है, लेकिन अच्छा काम करता है। और ओरिजिनल सिलेंडर किट, ओरिजिनल कार्बोरेटर 101, और ओरिजिनल फुट पेग्स। ये बॉटल ग्रीन है, रीपेंट होके, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अच्छे गुड कंडीशन में है। और ओरिजिनल मीटर, ये RX G का स्टाइल है। ठीक है, ये 100 का नहीं है, ये बहुत कंफर्टेबल रहता है RX G का। तो मेरे गैराज पे ही डाल के दिया था, इट्स बीन 7 मंथ्स। गाड़ी लेके खुद सर्विसिंग करके रिपेयर करके दिया था, तो इंजन का तो प्रॉब्लम नहीं है, मस्त भागती है। और ओरिजिनल इंडिकेटर्स, ओरिजिनल हेडलैम्प, और ओरिजिनल लोगो, ओरिजिनल लोगो ईज है, यमाहा एनर्जी इंडक्शन सिस्टम। तो इसमें तो RX में तो 100 में तो ईज नहीं है, सिर्फ RX G 135 5 स्पीड Z किंग ऐसे गाड़ियों में इंडक्शन सिस्टम आता है, यमाहा एनर्जी इंडक्शन सिस्टम। वो क्या होता है, ये एक मिनट, ये जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर इसके आगे एक पाइप ऊपर की तरफ कनेक्ट होकर रहता है, टैंक के नीचे रहता है, एक बॉटली टाइप। वही पिछले वीडियोज़ में ही बना के हूँ, यमाहा एनर्जी इंडक्शन सिस्टम, यमाहा एनर्जी इंडक्शन सिस्टम इसमें नहीं है। 100 के बाद 135 जो प्रोडक्शन हुआ उस टाइम पे ये ई सिस्टम आया था। तो कवर या स्टिकर लगा के या मालूम नहीं, इसके बारे में उतना डिटेल नहीं है। ओके, ये जो रिफ्लेक्टर ओरिजिनल है, और ओरिजिनल G2 सिलेंडर 98 cc, और ये जो कार्ब 36L00 कुछ है, ओरिजिनल है, इधर लिखा है जापान। ये देखो ट्यूनिंग स्क्रू इधर आता है, जो इधर, ठीक है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ले लो, छोटा वाला, चाहिए तो लाइट ऑन कर लो। लाइट ऑन है अभी, अभी कितना राउंड से देखते हैं। ठीक है, जो हमारे भैया ने ट्यूनिंग किए थे, तीन, चार, इतने तक लाख है, और घुमा नहीं सकते। ठीक है, चार पे 1 2, अभी 2 हुआ 3, 3 और 4। ओके, ये मैनुअल, अभी तुम कर रहे हैं बोले तो थोड़ा हेडलिंग ले लो, थोड़ा सा हेडलिंग रख के बाद में ट्यूनिंग करो, रेस्पॉन्स अच्छी आ जाएगी। ठीक है, पहले हैडलिंग रखना, उसके बाद ये स्क्रू को टाइट करना, 180 डिग्री 4 टाइम रिलीज़ करना, 180 डिग्री 4 टाइम रिलीज़ करना।
अच्छा ओके, आज के लिए काफ़ी है। भैया से ये रिक्वेस्ट किया कि एक छोटा सा ट्यूनिंग के बारे में वीडियो बना लूँ। क्यों बोले तो ये डांटते हैं मुझे, उनकी ट्यूनिंग मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बोल क्यों। तो ट्यूनिंग आपको समझ में आ गई ना? अगर कुछ है क्वेश्चन है तो इधर 10 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, इसी के बारे में आप क्वेश्चन पूछना तो पूछो, और दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं 10 बजे। क्यों 10 बजे बोले तो सभी लोग फ्री रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो थोड़े बहुत लोगों के साथ बात हो सकती है। 2 GB का डेटा रहता है, सभी को किल करना है। ओके, फॉर टुडे दैट्स इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चाओ।